इसराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में करीब 3 हफ्ते से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास हमले की पीएम मोदी ने खुलकर निंदा की थी, लेकिन भारत में कई लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब इसी बीच भारत में हिंदुत्व विरोधी और हमास समर्थकों का एक गुट खुलकर सामने आया है। दरअसल केरल के मलप्पुरम में एक वर्चुअल रैली हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रैली को हमास के एक नेता खालिद मशाल ने संबोधित किया। इस रैली के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसे लेकर खूब बवाल भी हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक तो आतंकी संगठन हमास के नेता ने केरल के मुसलमानों को संबोधित किया और दूसरी गंभीर बात यह है कि वहां हिंदू विरोधी नारे भी लगाए गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल शुक्रवार को केरल के मलप्पुरम में सॉलिडरिटी युवा आंदोलन ने युवा प्रतिरोध रैली निकाली। ये संगठन जमाते इस्लामी का यूथ विंग है। इसमें बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको का नारा दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इस रैली में हमास नेता की भागीदारी पर सवाल उठाए और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इस रैली में हमास नेता खालिद मशाल ने 7 मिनट की स्पीच दी। खालिद मशाल के रैली को संबोधित करने को लेकर बीजेपी ने केरल की पिनराई विजयन सरकार पर निशाना भी साधा है। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रम ने इस घटना को लेकर सीएम से सवाल किया कि सीएम विजयन की पुलिस कहाँ है। उन्होंने कहा कि मलप्पुरम में सॉलिडरिटी प्रोग्राम में हमास के नेता खालिद मशाल का वर्चुअल संबोधन हुआ, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कई लोग फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को महिमा मंडित करते हुए उन्हें योद्धाओं के रूप में दिखाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल ने भी गाजा में महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की कथित हत्याओं की निंदा करते हुए गुरुवार को उत्तरी कोझिकोड में एक विशाल रैली का आयोजन किया। आईयूएमएल समर्थकों ने भी फिलिस्तीन एकजुटता मानवाधिकार रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी हिस्सा लिया था। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में इसराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद से ही इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबाजी की जा रही है। इसराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। इसराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में अब तक 7000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें से 3000 बच्चे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।